morning, all of you. हाँ बोलिए। क्या डाउट है? मेरी आवाज तो ठीक है? हाँ बोलिए। हाँ तो बोलिए, क्या किसको क्या डाउट है? किसी को कोई डाउट है? चलिए हम लोग लास्ट में डाउट पर जाएंगे। अभी हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ओके, फ्रॉम एनसीईआरटी बुक से आप आइए एक्सरसाइज 8.1। कल हम लोग उसी पर डिस्कशन कर रहे थे। एक्सरसाइज 8.1 पर क्वेश्चन नंबर आप आइए 6 में। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फोर भी देखना है, फोर ही बता देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ये कहां से आवाज आ रही है? क्वेश्चन नंबर 4, अभी हम सभी को म्यूट किए हुए हैं और इसमें जो एक दो स्टूडेंट बदमाशी करता है उसको तुरंत अभी पकड़ते हैं। सो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हम एक स्क्वायर बनाए, ए बी सी डी लिख दिए, गिवन ए बी सी डी इज ए स्क्वायर और इसका क्या दिया हुआ है? डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, इसका डायगोनल्स आपका इक्वल है। फर्स्ट डायगोनल ए सी और अदर डायगोनल बी डी, यानी डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी भी आपका दिया हुआ है। टू प्रूव करना है आर इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर, सो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल। हाँ
तो यहां पर टू प्रूफ में टू प्रूफ दिया हुआ है गिवन में ए बी सी डी इज ए स्क्वायर टू प्रूफ डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी फर्स्ट प्रूफ करना है और सेकेंड में प्रूफ करना है डायगोनल बायसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री डायगोनल बायसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री ये फर्स्ट में प्रूफ करना है और सेकेंड में डायगोनल बायसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री मीन्स ये आपका डायगोनल एसी है सेकेंड डायगोनल बीडी और यहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है बायसेक्ट्स में इक्वल पार्ट में डिवाइड करना यानी आप प्रूफ कर दीजिए ओए इज इक्वल टू ओसी और सेकेंड प्रूफ कर दीजिए ओबी इज इक्वल टू ओडी सेकेंड प्रूफ क्या कर दे ओबी इज इक्वल टू ओडी अब दिया हुआ क्या गिवन में है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर आपका दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर प्रूफ करना है डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी फर्स्ट और सेकेंड बायसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री यानी आपका सभी एंगल आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है ओके अब आते हैं नेक्स्ट में फर्स्ट आप प्रूफ कर दो ट्रेंगल ए डी बी ए डी बी एंड ट्रेंगल जैसे ए डी बी लिए सेकेंड ले लो बी सी ए दोनों ट्रेंगल को कंग्रुएंट प्रूफ कर देंगे प्रूफ में प्रूफ में फर्स्ट लिए इन ट्रेंगल ए डी बी एंड ट्रेंगल ए डी बी लिए एंड ट्रेंगल फर्स्ट ए डी बी सेकेंड बी सी ए अब आपको इस दोनों ट्रेंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करना है इस दोनों ट्रेंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करना है अब हमको देखना किस क्राइटेरिया से हम कंग्रुएंट प्रूफ करें अब देखिए फर्स्ट लिए है ए डी बी जिसका स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल और इस ट्रेंगल का ए डी और इस ट्रेंगल का बी सी दोनों इक्वल है क्योंकि चारों साइड स्क्वायर का इक्वल होता है तो पहला आप लिख दो ए डी इक्वल टू बी सी क्योंकि साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल यहां लिख देंगे साइड ऑफ अ स्क्वायर सेकेंड इस स्क्वायर है तो सभी एंगल 90 डिग्री है ए डी बी का एंगल ए और बी सी ए का एंगल बी 90 डिग्री ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री हर ए डी बी का ए बी और बी सी डी का ए बी यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन 9 बाय साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी रूल से ट्रेंगल ए डी बी कंग्रुएंट ट्रेंगल बी सी ए से दोनों ट्रेंगल आपका कंग्रुएंट हो गया सीपीसीटी से क्रॉसबॉन्डिंग पार्ट ऑफ दिस ट्रेंगल आर इक्वल दो साइड का हम यूज किए थर्ड साइड अपने आप इक्वल होगा थर्ड साइड क्या बच गया जैसे इसका ए बी ले लिए और ए बी ले लिए बच गया बी डी इक्वल टू सी ए तो
BD क्या था, एक डायगोनल था, CA क्या था, अदर डायगोनल था, हमको डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD प्रूव करना है। डायगोनल डायगोनल तो CPCT से आप लिख सकते हो डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, आप फर्स्ट प्रूफ कर चुके हो CPCT से, यही प्रूफ करना था पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है इसमें, ये फर्स्ट हम प्रूफ कर चुके, सेकेंड आपको प्रूफ करना है डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी आप ये डायगोनल इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा, ये भी डायगोनल इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा, किस पर, 90 डिग्री पर। तो आप पहले ले लो ट्रायंगल ए ओ बी, फर्स्ट ट्रायंगल ले लिए ए ओ बी, सेकेंड ट्रायंगल सी ओ डी। अगर आप ए ओ बी और सी ओ डी को कन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो सेकेंड के लिए, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी को कन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, किस प्रॉपर्टी से ये दोनों कन्ग्रुएंट होगा, ये आपका कन्ग्रुएंट होगा एंगल साइड एंगल से, ये दोनों ट्रायंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, एंगल साइड ए एस ए, चूंकि आपका स्क्वायर है तो ये साइड इसका इक्वल आ गया, और स्क्वायर का अपोजिट साइड पैरेलल में होता है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, आप दिखा सकते हो ए ओ बी का एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, सी ओ डी का एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, इसमें आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज कर सकते हो, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में ये साइड में आ जाओ, इसका ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ऑफ ए स्क्वायर थर्ड ए बी इक्वल टू सी डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट साइड पैरेलल होगा तो दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल, यानी ए ओ बी का एंगल बी इक्वल टू इसका एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आप साइड बाय एंगल साइड एंगल कंग्रुएंसी प्रॉपर्टी से या रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपका कंग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ए ओ बी कंग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। और जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट आ गया तो देखिए इसका ओ ए और इसका ओ सी इक्वल हो जाएगा, देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, सी पी सी पी से ओ ए इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, और सेकेंड इस ट्रायंगल का ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये किससे होगा, सी पी सी पी, सीपी सीटी से। तो आपको हम यहां पर प्रूव कर दिए कि डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, इससे क्या हो गया, डायगोनल बाइसेक्ट्स प्रूफ हो गया। अब आपको डायगोनल बाइसेक्ट करना 90 डिग्री पर, हम इसको 90 डिग्री प्रूफ करें एंगल वन और टू को। अब 90 प्रूफ करने के लिए अब इस दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ कर दो, किसको किसको, तो ए ओ डी को, और एक इसको ले लो ए ओ डी और दूसरा ले लो सी ओ डी,
इस दोनों ट्रायंगल को आप फिर तीन पार्ट क्वेश्चन का है। फर्स्ट पार्ट डायगोनल इक्वल करना है, सेकेंड पार्ट डायगोनल बाइसेक्ट इज अदर 90 डिग्री के लिए, फिर दो ट्रायंगल कंसेक्यूटिव में दो ट्रायंगल ले लो और उसको कन्वे प्रूफ करो। अब 90 डिग्री के लिए प्रूफ कर रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप अगर प्रूफ कर देते हो ट्रायंगल ए ओ डी, पहला ट्रायंगल लेंगे ए ओ डी कंग्रुएंट ट्रायंगल, डायरेक्ट लिख दिया हम कंग्रुएंट, बता देंगे किस प्रॉपर्टी से कंग्रुएंट होगा। ट्रायंगल ए ओ डी कंग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, देखिए अभी आप प्रूफ किए ये साइड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, जस्ट अभी प्रूफ किए हैं, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी कॉमन और ए बी इज इक्वल टू सी डी, चूंकि स्क्वायर का ऑल साइड्स आर इक्वल, और ये किससे किए तो साइड 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 कन्वेंशन रूल से हम दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट प्रूफ किए। सीटी सीटी से आप यहां पर लिख सकते हो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, किससे सीपी सीटी से दोनों एंगल को इक्वल दिखा दिए, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू सीपी सीटी से हम कर दिए। जब आप दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ किए और ए ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल में दोनों का सम 180 डिग्री। जैसे इस साइड देख लो, हम यहां पर इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है, वन को भी और टू को भी, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां रीजन लिख सकते हो स्ट्रेट एंगल, क्योंकि हम प्रूफ किए हैं वन इज इक्वल टू टू, वन को रहने दो, टू के प्लेस पर भी वन डाल दिए, टू के प्लेस पर भी वन डाल दिए 180 डिग्री, ट्वाइस एंगल वन इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल वन इज इक्वल टू 90 डिग्री, हम एक एंगल को 90 प्रूफ कर दिए, और वन इज इक्वल टू टू, टू भी 90 हो गया, टू का अपोजिट एंगल दिस है, ए भी 90 डिग्री, इसका अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल दिस है, सभी एंगल 90 डिग्री, यानी आप डायगोनल को बाइसेक्ट भी प्रूफ कर दिए और 90-90 भी प्रूफ कर दिए, यानी हम सेकेंड लाइन लिख सकते हैं डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री, आप ये लाइन प्रूफ करके देख सकते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। अब साइज ये सब समझ गए होंगे, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 4 का कन्वर्स क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आते हैं, हम आपको बताने वाले थे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जहां के एक डायग्राम बना हुआ है, हम डायग्राम यहां बना देते हैं 8.19 का डायग्राम, नाम है ए बी सी और डी, ये डायगोनल आपका ज्वाइन है, क्या क्या इसमें दिया हुआ इंफॉर्मेशन ये आपको पहले देखना है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ क्वेश्चन में, तो डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, बाइसेक्ट्स मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी आपका गिवन में
ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम और क्या दिया हुआ है, तो डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू भी दिया हुआ है। यानी आप लिख सकते हो डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए मीन्स एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, यहां पर दिया हुआ एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। अब आपको गिवन के बाद लिखना है टू प्रूफ, आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ क्या प्रूफ करना है, सो दैट इफ बाइसेक्ट्स एंगल सी, टू प्रूफ फर्स्ट में यानी ए सी ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल सी, इफ बाइसेक्ट एंगल सी, यानी आप वन टू नाम दिए, यहां अगर थ्री इज इक्वल टू फोर प्रूव कर देते हैं, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, तो आप लिख सकते हो इट्स बाइसेक्ट एसी, यानी आपको प्रूव करना है एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर पहला। दूसरा प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रोम्बस, सेकेंड में प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रोम्बस, तो रोम्बस का ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ए पैरेललोग्राम इज कॉल्ड ए रोम्बस इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल है ही, अगर कंस्टिट्यूटिव साइड को इक्वल प्रूफ कर दो तो सब साइड इसका इक्वल प्रूफ हो जाएगा, यानी कहा जाएगा ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अब हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए बाइसेक्ट्स एंगल थ्री, जब आप इस दोनों ट्रायंगल को कन्वीनियंट प्रूव कर देते हैं, जब दोनों ट्रायंगल को फर्स्ट या हम डायरेक्ट इसको प्रूफ में अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल टू डी सी है और ए बी पैरेलल टू डी सी, हम कन्वीन पर नहीं जाते हैं, पैरेललोग्राम है तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल मीन्स ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ए सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, अगर ए बी पैरेलल टू सी बी या डी सी और ए सी इज द ट्रांसवर्सल, तो आप लिख सकते हो एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल टू या एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री, रीजन दे देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और चूंकि वन इज इक्वल टू आपका टू दिया हुआ है, एक तो ये हो गया। सिमिलरली जैसे हम टू इजकल टू थ्री प्रूफ किए तो टू इजकल टू फोर भी प्रूफ कर सकते हो, टू इजकल टू फोर भी, क्यों तो आपका वन इजकल टू हम अभी प्रूफ किए टू इक्वल टू थ्री है ना, और एंगल वन टू इज इक्वल टू थ्री, सिमिलरली जब ये दोनों लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे इसको बना दो वन, सिमिलरली या एक
AD पैरेलल टू BC, अगर ये पैरेलल है, या सिमिलरली भी लिख सकते हैं, जैसे वन ये दोनों लाइन पैरेलल था तो ये ट्रांसवर्सल है। सिमिलर अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो हम यहां पर 2 = 4 भी कर सकते हैं। एंगल 1 = एंगल 2 दिया हुआ है इक्वेशन 2 में, तो फ्रॉम 1 और 2 से जैसे आपका ये दोनों इक्वल है और हम 2, 3 का इक्वल प्रूफ किए तो 2 = 3 प्रूफ किए हुए और 1 = 3 आपका प्रूफ हो जाता है फ्रॉम 1 और 2 से एंगल 1 = एंगल 3। अब देखिए तो आप यहां पर एंगल 1 = एंगल 2, एंगल 1 2 का इक्वल है और 2 3 का इक्वल है। 2 किसका इक्वल है? 3 का इक्वल है। और एंगल 2 = एंगल 4 भी है। एंगल 2 एंगल 1 = एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से आप इक्वल प्रूव कर सकते हो। इसमें अभी हम प्रूव किए 1 = 2, देयरफॉर इसमें चारों एंगल आपका इक्वल प्रूफ हो जाता है। कारण 1 = 3, 2 = 4, जैसे ये आपका इसका इक्वल होगा 2, 3 का 1 हो जाएगा = 4 का एंड एंगल 1 = एंगल 4, इसमें चारों एंगल इक्वल आ गया। तो यदि 3 = 4 है तो आप कह सकते हो AC इट बाइसेक्ट्स एंगल C, सो AC इज ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल C। जब 3 = 4 किए यानी AC बाइसेक्ट्स एंगल C। अब आते हैं इसको प्रूव करना है रोम्बस, रोम्बस का ऑल साइड्स हमको इक्वल प्रूफ करना है। आप जब 2 = 4 किए हुए प्रूफ, अगर दो एंगल इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, या 1 = 3 प्रूफ किए हैं, एक एंगल 1 = एंगल 3, एंगल 1 = एंगल 3, 1 का अपोजिट साइड CD और 3 का अपोजिट साइड AD, यानी AD = CD, और AD पहले से किसका इक्वल था? अपोजिट साइड था, अपने पैरेलोग्राम सारे इक्वल, AD = BC भी था और CD किसका इक्वल था? AB का, अपोजिट साइड था अपने पैरेलोग्राम = AB, देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। ABCD इज ए रोम्बस। तो आपका यहां पर रोम्बस भी प्रूफ हो गया, केवल सभी साइड को इक्वल प्रूफ करना था, इससे हमको यहाँ पर रोम्बस भी